बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुरुतलैंड एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमफिल केमिस्ट्री। सब्जेक्ट मेरा हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस किया है, वोल्टिक सेल डिस्कस किया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल की हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं, उसी एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। फिर रेडियोलॉजी से रिलेटेड हमने डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए। इसके बाद हमने जो है वोल्टिक सेल डिस्कस किया है, गैल्वानिक सेल डिस्कस किया, इसमें भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने डिस्कस की है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका टॉपिक है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप डिफ्यूजन पोटेंशियल भी कहते हैं। डिफ्यूजन पोटेंशियल इसको किस तरह से कहते हैं, द पोटेंशियल डिवेलप्स बाय द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी कि ऐसा पोटेंशियल जो आपका डिवेलप होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स आपने क्या करनी है, टू इलेक्ट्रोड ही आप यूज करते हैं, ठीक है, बट दोनों इलेक्ट्रोड आपके सेम होंगे, जस्ट डिफरेंस कहाँ आएगा, आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर जितने भी हमने लास्ट में रिएक्शंस डिस्कस किए थे, सेट डिस्कस किए थे, सब में क्या था कि दो हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, बट यूज किया यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आप देखें कि जिंक सल्फेट यहाँ पर यूज किया है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो इनकी कंसंट्रेशन का है। जब यहाँ पर डिफरेंस होगा, दिस रिजल्ट्स इन द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करना है एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से आयंस ट्रेवल करेंगे उस जो है सॉल्यूशन की तरफ जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखें, हमने टू इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, एक इलेक्ट्रोड आपका है जिंक इलेक्ट्रोड और सेकेंड इलेक्ट्रोड भी आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और दोनों को हमने डिप किया हुआ है टू सॉल्यूशंस में। अब उसमें से जो एक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और सेकेंड आपके पास है 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ये आपके पास कौन सा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये आपके पास कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नॉट वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, उसमें आप साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, तो जो साल्ट ब्रिज है वो आयंस की ट्रांसफ़र इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने सेल यूज़ किया हुआ है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जैसे ही आपने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स आपने एनर्जी प्रोवाइड की, तो यहाँ पर क्या होंगे, डिसोसिएशन ऑफ आयंस होंगे, आयंस जो है फॉर्मेशन होगी। जब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आयंस फॉर्मेशन होंगे, यहाँ पर अगर आपके पास जिंक आयन फॉर्मेशन हो रही है तो ये आपके पास ट्रेवल करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके जो आयंस हैं वो आपके यहाँ पर ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब आपके आयंस यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, जिंक जैसे आपका हमने जिंक यूज़ कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपका जिंक सल्फेट है, तो वहाँ पर जिंक आयन की सिंथेसिस होगी ना, तो वहाँ पर आपके जो आयंस यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके क्या होगा, पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो डिवेलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे और आपके पास जो बाकी स्पीशीज बचेंगी वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए, एक तो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पर भी ये जो पोटेंशियल डिवेलप हुआ है, इसे आप कहते हैं डबल इलेक्ट्रोड लेयर पोटेंशियल, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं, डबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपका ये जो डबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिवेलप हुआ है, इसीलिए इस सिस्टम को जो हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। इसे आप डिफ्यूजन पोटेंशियल भी कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस आपके पास कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आइंस या कोई भी स्पीशी मूव करती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ मैंशन की है, दिस रिजल्ट इन द डिफ्यूजन ऑफ आइंस फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब आपके पास यहाँ क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल हो रहे हैं आइंस। जब वो आइंस आपके पास ट्रेवल होंगे तो आइंस के ट्रेवल्स की वजह से वहाँ पर चार्जेस क्रिएट होंगे, ठीक है। उन चार्जेस की वजह से वहाँ एक पोटेंशियल जो है वो डिवेलप होगा, और उस पोटेंशियल को आप क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि आपका जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये डिवेलप हुआ है ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं इसकी डिपेंडेंस। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ये किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली इसमें जो चीज है वो इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ आइंस, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ आइंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब आप देखें, जब आइंस यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर हो रही है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो यहाँ पर क्या होंगे, आइंस क्रिएट होंगे, आइंस जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये आइंस जो आपके ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, अब जब वो आइंस ही ट्रैवल करते हैं तो ये इनके ट्रैवलिंग पर डिपेंड करता है कि कौन से आइन की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना, उनकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ आइंस जो है वो स्लो वेलोसिटी से मूव करती हैं और कुछ आइंस जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब वो आइंस जिनकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी, ठीक है, तो वो आइंस जो है वो इजीली ट्रैवल करेंगे ना, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो जो आइंस इजीली ट्रैवल करेंगे वहाँ पर उसी तरह के चार्जेस क्रिएट होंगे। अगर पॉजिटिव आइंस जो है उनकी जो है टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज होंगी ना, एक कैटायंस होंगे और एक एनायंस की फॉर्मेशन होगी। अब अगर आपके कैटायंस की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो कैटायंस की अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होगा, और आपके पास जो पीछे बच जाएंगे सॉल्यूशन में वो नेगेटिव स्पीशीज बच जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इसे आप क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ आइंस। कि अगर आपके पास क्या है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फिर जो लो मास का होगा, ठीक है ना, इनके मैसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसका मैस जितना स्मॉल होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ग्रेटर होगी। ठीक है, अब वो आपके पास आइन जिसका मैस कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना आपके पास साइज स्मॉल होगा उतना ही वो इजीली जो है आइन सॉल्यूशन के अंदर ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में सिंपल एक जो है चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें आप हमेशा सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे, नॉट सॉलिड ब्रिक यूज। साल्ट ब्रिज आप इसमें जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो साल्ट ब्रिज है वो आपके आइंस को इस तरह से मूवमेंट नहीं करवाएगा जिस तरह से आपकी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के अंदर पॉसिबल है। यहाँ से आपके आइंस जो है वो यहाँ पर इजीली जो है वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल
और डिफ्यूजन पोटेंशियल भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको हमने सेपरेट किया हुआ है किसी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से, और टू डिफरेंट हमने सोल्यूशन यहाँ पर यूज़ किए हैं। इसमें डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल है, जो कि आपको पता है कि डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। और अगर आप देखें कि आपका ये जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ आयंस। मींस अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं उनकी वेलोसिटी और स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उतना ही वो जल्दी ट्रैवल करेंगे। अब उन्होंने मूव करना है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जब वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव की स्पीड ज़्यादा है आयन तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, अगर नेगेटिव की स्पीड ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट पे, सॉरी स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ आयंस पे, ठीक है। थैंक यू।